अ वार्म वेलकम टू पार्टनर्स विद ब्रूम क्लीनिंग सर्विसेज। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं अपना नया स्टार क्यू का प्रेशर जेट। सो लेट्स बिगिन। इस कार्टन में क्या क्या निकलता है देखते हैं। मैंने ये अमेजोन से मंगाया है स्टार क्यू का नया प्रेशर जेट। इसका मॉडल है W3। पावर इट कंज्यूम्स 1800 वॉट्स, 120 वार का प्रेशर जनरेट करता है ये। एंड और डिटेल्स अभी देखते हैं वीडियो में। शैम्पू डिस्पेंसर, इनमें हमें फोम डिस्पेंसर नहीं मिलता है, शैम्पू डिस्पेंसर मिलता है। ये कुछ काफ़ी अच्छा लंबा लेंथ का पाइप मिला है। ये इनलेट और आउटलेट वायर है जो कि गन में कनेक्ट होता है और मशीन में कनेक्ट होता है, जेट में आई मीन। सो विल शो लेटर ऑन। ये गन है बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छी गन है, क्वालिटी गन की बहुत अच्छी है। ये फिल्टर मिलता है, जब भी आपको रनिंग वाटर ना मिल पाए और बकेट में यूज़ करना पड़े तो बेटर होगा इसको यूज़ कीजिएगा। एंड हेयर कम्स अ मशीन जेट, प्रेशर जेट। वाओ, काफ़ी अच्छी मशीन है। इसमें ऊपर इवन मीटर भी दिया हुआ है, जैसे ये ऑन होता है तुरंत इसका मीटर स्विच मीटर दिया हुआ, काफ़ी अच्छा मीटर है। इसमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी का स्विच बटन दिया हुआ है, नाइस। फ्रेंड्स, दीज आर द कनेक्टर्स, लेट मी शो यू हाउ एंड वेयर दे आर कनेक्टेड। भी मैं इसकी असेंबलिंग दिखाता हूँ आपको। ये है इनलेट कनेक्टर, सो इसको बहुत ही अच्छे से इसको कनेक्ट कर देना है मशीन में वाइट वाले को। एंड ये वायर कनेक्टर है जो आउटलेट वायर है, ये यहाँ इस दूसरे एंड पे कनेक्ट होगा। और बेटर होगा कि इसमें कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज इसके ओरिंग्स जो है वो कट होने के चांसेस रहते हैं। वायर काफ़ी फ्लेक्सिबल है इसका स्टार क्यू का, और लेंथ भी अच्छी खासी बड़ी है। रनिंग वाटर को ही लगाना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इससे अगर आप बकेट वाला पानी कनेक्ट करते हैं मशीन से तो इससे मशीन पे लोड पड़ता है। पार्टनर्स विद ब्रूम क्लीनिंग सर्विसेज, वाटर टैंक क्लीनिंग, डीप हाउस क्लीनिंग एज वेल एज सोफा क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आप हमें डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनलेट को हमने कनेक्ट कर दिया है। एंड ये जो आउटलेट वायर है इसको अपन गन में कनेक्ट करते हैं। अभी मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यहाँ पे एक लुब्रिकेंट कोई भी वैसलीन या कुछ भी यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज इसका जो ओरिंग्स है वो कट जाएगा और काफ़ी एक्सपेंसिव आता है वो। तो मेक श्योर यू अप्लाई एनी लुब्रिकेंट बिफोर यूज़। काफ़ी कॉम्पैक्ट गन है, काफ़ी अच्छी गन है, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ इस गन से। लेट मी शो यू नाउ हाउ इट वर्क्स। मैंने इसको ऑन किया, अभी बटन काफी अच्छा है इसका। काफी लंबा वायर है जी हाँ, देखिए वाह, मतलब प्रिटी ऑसम। गन जितना कॉम्पैक्ट है उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा इसका प्रेशर है और बहुत बहुत इंप्रेसिव है। ये नोजल यहीं पे है गन के साथ ही, टेस्ट ड्रेस की नोजल, और यहीं से वाइड और नैरो सब यहीं से होता है। स्लज रिमूविंग कितना अच्छा काम कर रहा है इसे, लेट्स चेक इट, इनका कितना अच्छा काम कर रहा है। देखिए द सीट, वाओ, ये दूसरे की बॉल गंदी कर दी हमने तो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अभी इसका लॉक है, ये देखिए यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा कि जब यूज़ ना हो, बेटर है, क्योंकि इसका प्रेशर काफ़ी तेज़ होता है और किसी को भी हार्म पहुँचा सकता है अगर गलती से भी किसी के स्किन पे या फिर किसी की बॉडी पे लग जाए तो। ऑटो कट काफ़ी अच्छा है मशीन का, देखिए मैं जैसे लगाता हूँ तुरंत छोड़ता हूँ तो तुरंत मशीन बंद हो जाता है, काफ़ी अच्छा ऑटो कट है जी। मुझे और मशीन्स में देखने को और जेट प्रेशर जेट में देखने को नहीं मिला है। शैम्पू डिस्पेंसर दिखाते हैं आपको, शैम्पू डिस्पेंसर कैसा है इसका। हालांकि मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी शैम्पू डिस्पेंसर की। पहली बात तो ये लूज़ है, यहाँ से वेल फिटेड नहीं है, इसको हाथ से पकड़ना पड़ रहा है कि ये गिर ना जाए। और अभी इसका फोम देखते हैं, आई मीन शैम्पू देखते हैं।
जी नहीं, मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा इसका शैम्पू डिस्पेंसर। वेल हाँ, शैम्पू की लेयर तो जनरेट कर रहा है बट उतना इम्प्रेसिव नहीं है। सी, लेयर तो जनरेट कर रहा है, लगा रहा है बट उतना इम्प्रेसिव नहीं है। सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक फोम डिस्पेंसर मंगाइएगा इंस्टेड ऑफ शैम्पू डिस्पेंसर। Thanks for watching Partners with Broom Cleaning Services. Thanks a lot.